एज ए प्लेयर इतना खेले तो कंपटीशन तो यूज टू है। कहूंगा कि मैं अपनी पार्टी के जो हाई कमांड है उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि वो इस लायक समझे कि वो। कांग्रेस ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। इसमें कांग्रेस ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन समेत 45 लोगों को टिकट दिया है। बात अगर मोहम्मद अजहरुद्दीन की करें तो आपको बता दें कांग्रेस ने हैदराबाद शहर की जुबली हिल सीट से पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं पूर्व सांसद मधु गौड़ याक्षी को लाल बहादुर नगर सीट से टिकट दिया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के सामने सिद्धिपेट सीट से उजाला हरिकृष्णा को टिकट दिया गया है। इसके अलावा के राजगोपाल रेड्डी को मुनु गोडे, मुरली नाइक को महबूबाबाद और रॉबिन रेड्डी को अंबरपेट से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। पार्टी तेलंगाना की 119 सीटों में से 100 पर अपने उम्मीदवार खड़े कर चुकी है। राज्य की सभी सीटों के लिए एक ही फेज में 30 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं मतों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। वहीं तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए जुबली हिल्स से टिकट मिलने पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष मोहम्मद अजहरुद्दीन का कहना है कि मैं बहुत खुश हूं और मुझे टिकट देने के लिए पार्टी आला कमान को धन्यवाद देता हूं। मैं बिल्कुल, देखिए टक्कर का मुकाबला हर बार होता ही है क्योंकि कंपटीशन जहाँ पे नहीं रहेगा तो वहाँ पे मुकाबले में इतना मजा नहीं आता। लेकिन हम आई मीन एज ए प्लेयर इतना खेले तो कंपटीशन तो यूज टू है। लेकिन मैं यहाँ पे मुझे आज खुशी जाहिर करते हुए ये भी कहूंगा कि मैं अपनी पार्टी के जो हाई कमांड है उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि वो इस लायक समझे कि वो मुझे टिकट दिए। स्पेशली अपने हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, सोनिया मैडम और राहुल जी, प्रियंका जी और हमारे रेवंत रेड्डी साहब जो टीपीसीसी के हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बहुत कोशिश की और मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह हम वहां से जीत के आएंगे। मोहम्मद अजहरुद्दीन आपको बता दें देश के सबसे सफल क्रिकेट खिलाड़ी हैं और कप्तानों में से एक है, लेकिन फिक्सिंग के आरोपों के चलते उनका करियर खत्म हो गया। उनके क्रिकेट खेलने पर बैन लगने से पहले उन्होंने 99 टेस्ट में देश के लिए 45 के औसत से 6215 रन बनाए। इसमें 21 अर्धशतक और 22 शतक शामिल थे। टेस्ट क्रिकेट में भी उनका स्ट्राइक रेट 63 का था, जबकि मोहम्मद अजहरुद्दीन 1984 से 2000 के बीच अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेले हैं। आपको बता दें तेलंगाना में हुए 2018 के विधानसभा चुनाव में केसीआर की बीआरएस को बहुमत मिला था। बीआरएस ने 119 सीटों में से 88 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं कांग्रेस 19 सीटों पर सिमट गई थी। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी ने सिर्फ 1 सीट पर जीत हासिल की थी। वहीं आपको बता दें कि इस समय राज्य में केसीआर के नेतृत्व में बीआरएस की सरकार है। फिलहाल अब पता चलेगा 3 दिसंबर को ये सरकार किसकी बनी है। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।